नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भारत रत्न व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय सेवा युवा ग्रुप के प्रमुख प्रमोद भारती की अगुवाई में रैली जुलूस शांतिपूर्वक निकालते हुए डॉक्टर अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा सेवा समिति एवं भारतीय समाज युवा ग्रुप ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जो पूरे कस्बे में भ्रमण कर विद्यालय में जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में घोड़ा, बैंड, डीजे, भांगड़ा, बाबा साहब की झांकी, स्कूली बच्चों की झांकी शामिल रही। जुलूस में युवा डीजे की धुनों पर ढोल भांगड़ा की ताल पर थिरकते नजर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा सेवा समिति व उनके अनुयायियों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय से शुरू होकर गुदरिया बाबा डाकखाने तिराहा होकर पंचायत घर से गुजरता हुआ टिकरारी तालाब से कालका देवी मंदिर होते हुए प्रेमनगर से होकर चरखारी रोड पहुंची, जहां से यह मुख्य चौराहे पर शोभा यात्रा आकर यहां से गल्ला मंडी से होकर पुनः डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय में जुलूस का समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से सबसे पहले ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते आधा सैकड़ा से ज्यादा घोड़े चल रहे थे। उसके बाद बैंड बाजा, भांगड़ा, डीजे, स्कूली बच्चों की झांकी आदि शामिल रही। जुलूस में प्रमुख रूप से डॉक्टर कलाम साहब की मिसाइल आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के पहले विद्यालय में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब के जीवन के बारे में वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक बताया। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से बहुजन समाज सेवा के लिए तन मन धन से समर्पित अपनी जन्मभूमि भैंसाई में 16 जून 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति स्थापित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित समाजसेवी अंबेडकर योगेंद्र द्विवेदी एवं युवा सेवा समिति के अध्यक्ष शिवा चौधरी उर्फ रब्बा, भारतीय समाज युवा ग्रुप के मुख्य कार्यकर्ता प्रमोद कुमार भारती, राम सेवक राजू, अजयराज, दीपेंद्र भारती, किशन जयपाल रेड्डी आदि लोग शामिल रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।